السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نصلي على رسول الله أما بعد. मेरे मोहतरम दानिशवरान मिल्लत, आज इस बज़्म में मेरी तकरीर का उनवान है कसरत व वहदत। कसरत व वहदत में इत्तेहाद का तसव्वुर है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफत, नस्ल, ज़ुबान, अदराक, तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक ही खत्ते में रहते हुए एक दूसरे का भरपूर तआवुन करते हैं। हिंदुस्तान भरपूर तनाव की सरजमीन तसव्वुर किया जाता है। हिंदुस्तान तकरीबन 5000 साल पुरानी मुस्लिम तहजीब और सकाफत का गहवारा है, जहाँ मुख्तलिफ मदाई कुशल, जहाँ मुख्तलिफ दानशियों से मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग मिलकर अमन सुकून के लिए लड़ाए हैं और हिंदुस्तान को सतरंगी मुल्क बनाया है। मशहूर माहिर इंसानियत ग्रेट सिंह ने 179 जुबानों और 544 बोलियों को नोट किया। मजीद ये कि 1971 की मरदम शुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में 1652 जुबानें बोली जाती हैं। हमारे हिंदुस्तानी आइन में तकरीबन 22 जुबानों का जिक्र है, जैसे आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, मलयालम वगैरह। हिंदुस्तान में एक तरफ लंबे सरों वाले बहरे नूर की नस्ल के लोग रहते हैं तो दूसरी तरफ चौड़े सरों वाले अल्पाइन नस्ल के लोग भी रहते हैं। हमारे मुल्क में कई करोड़ कबाइली लोग पनाह लिए हुए हैं और सब अपनी अलग शक्तियों के साथ एक ही सरजमी पर अमन के साथ चल रहे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 3000 जातपात के लोग मौजूद हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब, हिंदू, मसलन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का वजूद अक्सर मजहब में सिखाता आपस में बैठना, मजहब में